हाँ भाई नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग भैया फटा फटाफट से कनेक्ट हो जाइए क्लास ज्वाइन कर लीजिए राजेंद्र वर्मा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग और आज हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स की एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नाम क्या है भैया नाम तो देखेंगे भी. <laughs> हाँ भाई करें क्लास को स्टार्ट अब चलो भैया आप करते हैं क्लास को स्टार्ट देखो ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो मुझे आप तुरंत बता सकते हो और आप सभी के कमेंट्स मैं चेक कर रहा हूँ तो आपके मन में कोई दुविधा चल रही हो तो उसको आप मुझे तुरंत बता सकते हो कोई भी समस्या नहीं है चलो ठीक है प्यारे बच्चों ये है आपकी यूनिट नंबर थर्ड ठीक है और शायद थोड़ा सा लाइट और कम दिख रहा है मेरे हिसाब से तो एक जो लाइट मैंने बंद करी थी इसको भी चालू कर देते क्या फर्क चलो अब थोड़ा ठीक आ रहा होगा है ना तो हमारी यूनिट नंबर फोर्थ ख़त्म न्यूक्लियर फिज़िक्स में एक यूनिट तो हमारी ख़त्म हो गई बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई है अब एक बात मेरी कान खुलकर सुनो हमारी क्वांटम फिजिक्स में यूनिट नंबर थर्ड चल रही है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सटीकता से हर एक टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं आगे चलूँ हम किसी भी टॉपिक के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दें ठीक है अब यहाँ पे मेरा प्लान सुनिए मेरा प्लान ये है कि जैसे आज न्यूक्लियर की क्लास हो गई आपकी ठीक है ना तो आज न्यूक्लियर की हो गई तो एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव आपकी क्लास चलेगी अब तो देखो अब यहाँ पे कल जो क्लास होगी आपकी वो कल क्वांटम की होगी कल क्वांटम फिजिक्स की क्लास जो है इसी टाइम पे होगी और लाइव होगी और यूनिट नंबर थर्ड का जो अपना पोर्शन था हाइड्रोजन वाला पोर्शन वो पढ़ा रहे थे अपन उस वाले पोर्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे मतलब कुल मिला के बात यह कि आज हम क्लास ले, ले लेंगे ठीक है और न्यूक्लियर की कल मैं क्लास ले लूंगा भैया फिर किसकी फिर क्या है कि फिर फिर बीच बीच में संडे। फिर में संडे, अब संडे, संडे आ गया अब को तो देखो जो हमने नया पेपर चालू किया है ना न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका तो ऑफ रखेंगे फिर वही आगे फिर सोमवार से फिर न्यूक्लियर फिर क्वांटम फिर न्यूक्लियर फिर क्वांटम अब ऐसा अगर हम लगातार करते रहे अपने तीस दिसंबर तक भी एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के तो मैं ये मान के चलो कि आपकी थर्ड यूनिट तो हो जाएगी और थर्ड यूनिट जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कल और संडे तक तो पूरी ठीक है उसमें हाइड्रोजन एटम बचा है हाइड्रोजन एटम को हम बिल्कुल धीरे 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 समझते हुए समझते हुए आराम से कर लेंगे फिर उसके बाद में हम यूनिट नंबर फोर्थ को चालू कर देंगे ठीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है और उसको भी अल्टरनेटिव तरीके से पढ़ते रहे तो इकतीस दिसंबर तक वो भी खत्म हो जाएगी और फिर इससे क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स की भी क्लास चलती रहेगी और क्वांटम की भी चलती रहेगी देखो मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ क्वांटम फिजिक्स की जो क्लास है वो मैनेज क्यों नहीं हो पा रही आप कह रहे कि सर क्लास क्यों नहीं आ पा रही है मैनेज नहीं हो रही यार अब ये मान चलो कि चार बैच तो चल रहे हैं अपने एज सिंपल लाइव चल रहे हैं जो अभी और पीछे के जो बैच आपके रह गए थे कुछ टॉपिक्स वहाँ पर रह गए थे उनका भी बैच चल रहा है तो लगभग ये मानो कि आठ से नौ घंटे की क्लास प्रॉपर डेली तो बिना लाइट के क्यों मैनेज भी नहीं हो पा रही है मॉर्निंग में लाइट आती है शाम को आती है दोपहर में नहीं आती है अब दोपहर में ही तो टाइम है बनाने का लेकिन दोपहर में लाइट नहीं आती है तो इसलिए अब अपना ये प्लान रहेगा ठीक है और मुझे लगता है कि इस प्लान से अपन चलते रहेंगे तो ईजी वे में हम सिलेबस को भी कवर करते रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स है अब इसमें हम आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं एक घंटे की क्लास में इतना पढ़ा दूंगा कि वो दो घंटे की क्लास के बराबर होगा क्योंकि हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं बात क्लियर ठीक है ना और मैं हर क्लास में बोलता हूँ जग जाओ उठ जाओ और रिवीजन चालू कर दो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो पढ़ा दिया मैंने साथ की साथ कंठस्थ रिवीजन क्वांटम में जो पढ़ा दिया सात के साथ, साथ कंठस्थ रिवीजन और ये मान के चलो कि जैसे ही जनवरी में प्रवेश कर जाओगे ना आप उसके बाद में सोल्ड पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं प्रोवाइड करवाना चालू कर, कर दूंगा आपको जैसे क्वांटम में है तो क्वांटम में जो भी यूनिट नंबर फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एज ए टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर ठीक है फिर उनकी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से चालू कर देना क्योंकि देखो मोबाइल फ़ोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा यार मोबाइल फ़ोन में सब कुछ नहीं है आप मोबाइल सोचो कि मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ है वहीं पर क्लास ले लेंगे वहीं पर प्रैक्टिस कर लेंगे नहीं प्रैक्टिस करने के लिए रफ कॉपी लानी पड़ेगी और उस रफ कॉपी में आपको टॉपिक्स को लिखना पड़ेगा एक बार देख के लिखना पड़ेगा फिर दोबारा बिना दे के लिखना पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा ओके मोबाइल फ़ोन को छोड़ने की आदत ही नहीं है साइड में रखा है पाँच मिनट भी रखो भी मैं ध्यान नहीं है छट्टी मिनट फिर मोबाइल फ़ोन चला लिया छोड़ दो उसको लत है अच्छी बात है लेकिन छोड़ दो मात्र दो महीने की बात है यार फिर चिल करना आराम से मात्र दो या ढाई महीने की बात है उसके बाद में चिल मस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर ठीक है अब इस चैप्टर में एक देखो इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है ना आपका एक तो यह है बोर फॉर्मूला और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है आपका त्वरित्रक्सरेशन ठीक है ना किसी भी पार्टिकल को गति प्रदान करवाना काम होता है त्वरित्र का एक्सलेशन का काम होता है जैसे इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन को अगर हम गति देना चाहें मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गति धीरे है उसकी मोशन जो है वो थोड़ी धीरे हो रही है उसको हम चाहते हैं कि भैया थोड़ा तेज गति से जाना चाहिए तो हमें उसके लिए एक्सलेशन की रिक्वायरमेंट होगी त्वरित्र तो की आवश्यकता होगी अब कितने प्रकार के त्वरित्र हैं कितने प्रकार के एक्सलेशन हैं वो इसी के अंदर पढ़ेंगे और उसी का तीन नंबर का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है भैया बोर फार्मूला टॉपिक है और ये बोर फॉर्मूला जो है ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है मैं आपको ईमानदारी के साथ बता दूं, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है ठीक है बढ़ाने के बाद तो सही तरीके से दिखता नहीं है एक बात तो है ठीक है चलो तो अब यहां पे बिल्कुल फोकस होके हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं यूनिट नंबर थर्ड के टॉपिक को देखो ध्यान से सुनना यूनिट नंबर मेरे पास में थर्ड है ठीक है आप अगर लिखना भी चाहो इसका नाम तो बोर मॉडल ठीक है ये बोर फॉर्मूला और एक्सलेशन त्वरित्र तो डाल लीजिए इसकी हेडिंग क्योंकि तो इसमें दो ही टॉपिक पढ़ेंगे चलो बहुत ही सावधानी के साथ में और हिंदी मीडियम के नोट्स तो मैंने अपलोड नहीं किए हैं अभी तो अभी जैसे ये क्लास ख़त्म होगी उसके बाद हिंदी मीडियम के नोट्स प्लस में इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और एक और देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है जो भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे ना लगातार ठीक है उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट ये है चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से अपने खुद के नोट्स बना लेना यार ठीक है क्योंकि ये मैंने किसी सर से अरेंज करके लिए हैं ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि यार मैंने पढ़ाया मैंने मेहनत करी है तो अपने खुद के भी जो नोट्स हैं हालांकि नोट्स में कंटेंट तो सबका सेम ही है मार्केट में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकिन सबके नोट्स आपको लगभग सेम मिलेंगे देखने को ठीक है लेकिन हमने पढ़ाया है ना आपको तो बस आपके पास वो कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को हम प्रोवाइड करवाएं नोट्स तो आपके लिखे हुए नोट्स हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सके तो मेरा यही निवेदन रहेगा आप सभी से भी कि ये जो मैंने पी आपको प्रोवाइड करवाई है हिंदी मीडियम की आप कृपया उसको बना लें ठीक है उसको लिख लिख के बना लें और अपने पास खूब टाइम पड़ा है यार बनाओ आराम से खुद की पीडीएफ मजा आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी खुद की पीडीएफ बनाना ठीक है ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है चलो प्यारे बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है एक ही बार में आपके पूरे दिमाग में टॉपिक को सेट कर देंगे देखो मेरे पास में टॉपिक का नाम है बोर सूत्र, बोर सूत्र, बोहर फॉर्मूला अब ये क्या है क्यों है इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा बात करते हैं डिस्कस करते हैं आराम से ठीक है देखो ये थ्योरी लिखी हुई है यहां पे है ना इस थ्योरी को मैं एक बार पढ़ता हूं और बिल्कुल कान लगा के इस थ्योरी को सुनना ऐसे सुनना है जैसे कोई आपकी बहुत ही अर्जेंट काम की बात है सुनते हो ना कान लगा के बिल्कुल ऐसे वैसे आपको सुनना है ठीक है देखो भारी आवेश कणों प्रोटोन कण ड्यूट्रॉन को द्रव्य माध्यम से गुजारा जाए तो यह माध्यम के कणों का आयनीकरण या कणों का उत्तेजित कर देते हैं या फिर कणों को उत्तेजित कर देते हैं अतः आवेशित कण माध्यम में उपस्थित परमाणुओं से टक्कर कर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है और अपनी ऊर्जा में हानि वहन करता है इस अवस्था में भारी आवेशित कणों द्वारा आयनीकरण ऊर्जा में अल्प ऊर्जा खर्च करते हैं अतः बाहरी आवेशित कणों द्वारा आयनीकरण की अवस्था में कक्से इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा हानि के तुल्य होती है अब एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं इस थ्योरी को शायद आप पहली बार पढ़ोगे दूसरी बार पढ़ोगे तीसरी बार पढ़ोगे तो भी ये थ्योरी आपके समझ में नहीं बैठेगी बिल्कुल भी नहीं बैठेगी मैं कह रहा हूं आपसे और अगर मैं इस थ्योरी को एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूं तो थ्योरी है ना आप खुद बना सकते हो ये थ्योरी आप खुद बना सकते हो और वो डायग्राम बना के मैं एक बार बता दूं तो देखो ध्यान से एक एक चीज जो है ना इसमें एक एक लाइन जो है उस एक एक लाइन को आपके दिमाग में सेट कर देंगे अब कैसे करेंगे एक ध्यान दोगे थोड़ा से थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा भैया सुनो ध्यान से पहली बात तो आप ये सीखो कि हैवी पार्टिकल जो होते हैं हैवी पार्टिकल भारी कण तो हैवी पार्टिकल्स में आपका देखो किस किस का नाम आता है प्रोटोन ठीक है आपका जो अल्फा पार्टिकल है ठीक है और आपका ड्यूट्रॉन जो है ना ये जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं ये सारे के उनसे हैवी पार्टिकल है मतलब इनका जो मास है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्लियर ठीक है हमने मान लिया अब क्या बोला जा रहा है कि सपोज करिए एक के द्रव माध्यम है एक लिक्विड मीडियम है एक लिक्विड मीडियम है और उस लिक्विड मीडियम में हिंदी में बोले हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं द्रव्य माध्यम ठीक है द्रव्य माध्यम में जो भारी कण आपके हैं जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको हम गुजार रहे हैं आगे की तरफ अब ध्यान से देखना मैं एक डायग्राम बनाता हूं मैं वो डायग्राम अपनी इच्छा से बना रहा हूं यहां पे कोई डायग्राम नहीं बना हुआ ठीक है देखो यहाँ पे सपोज करिए आपका ये एक हैवी मतलब ये आपके पास में क्या है देखो ये आपका द्रव माध्यम है लिक्विड मीडियम है तो लिक्विड मीडियम में भी भैया पार्टिकल तो होंगे ना हैवी पार्टिकल होंगे या फिर कुछ भी होंगे पार्टिकल तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे चलो अच्छी बात है तो देखो ये मेरे पास में क्या है आपका लिक्विड मीडियम है ये मैंने डायग्राम बनाया है कहने का मतलब यार आपका पानी है ठीक है आपका एच है तो एच टू ओ में भी छोटे, छोटे 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 पार्टिकल तो होंगे ना उसके अंदर और आपको पता है भाई लिक्विड मीडियम है तो पार्टिकल्स के बीच में गैप तो रहेगा तभी तो पानी बहता है भैया उसके अंदर जो बहने का गुण होता है जो प्रॉपर्टी होती है फ्लोटिंग की ठीक है वो कैसे आती है पार्टिकल्स के बीच में गैप हो जाता है ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना देखो यहां पे अब ये सारे पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल्स के पास में अपना खुद का नाभिक भी है भाई ये तो मानते हैं ना हम कि सभी पार्टिकल्स के पास में अपना खुद का एक नाभिक भी है खुद का एक न्यूक्लियस भी है और उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटोन तो पहले से ही प्रेजेंट है इस बात का भी आपको पता है ठीक है लेकिन देखो हमें है ना न्यूट्रॉन प्रोटोन से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब किससे सुन्ना कान खोलकर मेरे प्यारे बच्चों सपोज करिए ये आपका द्रव्य माध्यम है हर एक पार्टिकल का एक नाभिक तो होगा एक न्यूक्लियस तो होगा सभी को पता है दिमाग में इमेज बनाते हुए चलो माइंड में सेट कर देंगे थ्योरी को देखना प्यारे बच्चों हमने क्या कहा ये मेरे पास में एक लिक्विड मीडियम द्रव है द्रव्य माध्यम है द्रव्य माध्यम के पार्टिकल्स को मैंने बना दिया है अब मैंने क्या किया इधर से यहां से मैंने क्या करा प्रोटोन ले लिया प्रोटोन क्या है एक हैवी पार्टिकल है प्रोटोन पी प्लस को जब मैंने इस लिक्विड मीडियम से पास आउट करवाया मतलब मैं यहाँ से इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या क्या प्रोसेस हो रही है उस बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों एक मुझे बात बताओ छोटी सी बात बताना ज़्यादा बड़ी बात तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे देखो पहली बात जब आपका पार्टिकल प्रोटोन इस लिक्विड मीडियम से गुजरने की कोशिश करेगा तो मुझे एक बात बताओ एक एटम मेरे पास में है और ये पानी का आइटम ही है कोई सा भी एक आइटम ले लिया मान लो ये ले लिया मैंने अब एक सपोज करो इसका एक खुद का एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा लेकिन न्यूक्लियस में कोई काम नहीं है सोचो न्यूक्लियस के बाहर कौन घूम रहा है तो आप चुपचाप क्या कहोगे कि गुरु जी किसको बताना मत हम बता सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब हर एक पार्टिकल के पास में नाभिक है लेकिन नाभिक के बाहर आपका दूसरा भाई इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है इस बात का ध्यान रखना अब जैसे ही मैं प्रोटोन पी प्लस को इस मार्ग इस रास्ते ये द्वारा आगे तरफ की तरफ निकालने की कोशिश करूंगा तो जैसे ही प्रोटोन आगे बढ़ेगा तो भैया जैसे ही प्रोटोन आगे बढ़ेगा ना आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा लेकिन ये प्रोटोन अपनी एनर्जी को अब रास्ते में कितने सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं इन सभी पार्टिकल्स को अपनी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यानी कि देखो जो पार्टिकल्स बीच में पड़ेंगे मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन पड़ा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा उसने ट्रांसफर करी किसने करी प्रोटोन ने और जैसे ही प्रोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन आयनीकृत हो जाएगा आयनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वहां पर पूरी हो जाएगी मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो गया भैया और हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोन ने अपनी ऊर्जा को खो दिया यार साफ सी बात है आपका प्रोटोन पी प्लस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जैसे ये यहां से पास आउट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी भूमिका अदा करेगा इलेक्ट्रॉन इसको रोकेगा आपसी बात है कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव में तो एट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रोटोन को रोकेगा उसको खींचने की कोशिश करेगा लेकिन इसकी गति थोड़ी तेज है इसको हम थोड़ा तेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटोन कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा कुछ एलर, एनर, एलर्जी नहीं एनर्जी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को तो उस कंडीशन में प्रोटॉन की एनर्जी का लॉस हम कर रहे हैं और यहाँ पे दो कंडीशन है भैया दो कंडीशन है कहने का मतलब है कि प्रोटॉन जो है बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि प्रोटोन ने अपनी ऊर्जा खो दी बात तो बराबर ही है ना बात तो बराबर ही है कि इलेक्ट्रॉन ने तो ये प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी स्थानांतर कर दी ट्रांसफर कर दी या फिर दूसरी बात ये बोल दो कि प्रोटोन ने अपनी ऊर्जा खो दी तो यही है पूरी कहानी अब ये थ्योरी जो है ना थ्योरी ये थ्योरी हो चुकी है एकदम कचरा अगर इस थ्योरी को पढ़ोगे आप तो हर एक पॉइंट के बारे में हर एक चीज के बारे में आपके मन में डायग्राम बनेगा और डायग्राम बन के आपको थ्योरी

कणों को उत्तेजित कर देता है तो साफ सी बात है कि जैसे ही प्रोटोन यहां से गुजरेगा तो प्रोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा देगा तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हो जाएंगे उत्तेजित हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे दो तो चीज बोल दो या तो आप ये कह दो कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर दी यानी कि वो आयना मतलब आयनीकृत हो गई आयनीकरण की जो प्रोसेस है आयनाइजेशन में यानी कि चार्ज को ट्रांसफर हमने कर दिया वो हम यहाँ पे बात कह सकते हैं तो देखो कणों का आयनीकरण या कणों को उत्तेजित कर देता है अतः आवेशित कण माध्यम में उप परमाणुओं से टक्कर अब देखो उप परमाणुओं का मतलब क्या है सब एटम का मतलब क्या है कि जैसे प्रोटॉन मेरे पास में है तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन 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 बहुत सारे यहां पे हमारे पास कितने प्रेजेंट है आर्टिकल्स प्रजेंट है और उनके पास प्रत्येक के पास अपना इलेक्ट्रॉन प्रजेंट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकरा के उन सब एटम से टकरा के मामला सेट अपनी एनर्जी का लॉस कर देगा तो यहाँ पे देखो उप परमाणु से टक्कर कर कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है और अपनी ऊर्जा में हानि वहन करता है और अपनी खुद की ऊर्जा जो प्रोटोन है वो भैया खर्च कर देता है और इस अवस्था में भारी आवेशित कणों द्वारा आयनीकरण ऊर्जा में अल्प ऊर्जा खर्च करते हैं अब ये बोल रहा है कि जो हमारी पास प्रोसेस होगी किसकी आयनाइजेशन की प्रोसेस होगी आयनीकरण की प्रोसेस होगी प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को चार्ज ट्रांसफर किया इस प्रोसेस में कुछ न कुछ एनर्जी जो है प्रोटोन ने खर्च कर दी बस काम खत्म और अतः भारी कणों द्वारा आयनीकरण की अवस्था में इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा ऊर्जा हानि के बराबर होगी साफ सी बात है भाई प्रोटोन की एनर्जी का लॉस कहां हुआ है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने में तो हम कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन आयनीकरण प्रोसेस हुई है बराबर हम कह सकते हैं एनर्जी का लॉस क्योंकि एनर्जी का लॉस कहां हुआ है केवल एक जगह पे हुआ है वो हुआ है भैया कहां पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने में अब मुझे बताओ इस पूरी थ्योरी को रटने से क्या मतलब है मैं तो इसको याद नहीं करा आज तक भी मैंने पहली बार पढ़ा भाई हमारी ग्रेजुएशन हो गई लेकिन मैंने इस थ्योरी को पहली बार पढ़ा है पहली बार बाकी इस थ्योरी को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंप्लीट बात मैंने समझा दी है कि लिक्विड मीडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं हमने यहाँ पे प्रोटोन को पास आउट कराया प्रोटोन को पास आउट करवाएंगे प्रोटोन अपनी ऊर्जा को इसको दे देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और अपनी ऊर्जा को ये खर्च कर देगा तो यहाँ पे ऊर्जा खर्च करेगा लेकिन आगे निकल जाएगा लेकिन ऊर्जा को कम खर्च मतलब जैसे यहाँ पे ऊर्जा इसके पास ज्यादा थी यहाँ पे कम है तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोटोन आगे निकल जाएगा इसको पढ़ो देखो समझो कमेंट करो तब तक मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ हाँ भाई तो कमेंट आपके आने चाहिए कि ये जो आपको मैंने समझाया वो आपके समझ में बैठा या नहीं बैठा थ्योरी आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी ठीक है हाँ भाई तो राजेंद्र वर्मा गुड मॉर्निंग सर कॉम्प्लेक्स में अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसे भी करा देना अब देखो यार एसपी शर्मा कह रहे हैं सर देखो मेरे बात सुनो कॉम्प्लेक्स में लगभग मैंने क्या कहा आपसे कि 90 से 95 परसेंट टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं पाँच परसेंट टॉपिक तो देखो यार करवाना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे जो मैंने नहीं करवाए आपको बात समझ में आ रही है लेकिन जो एग्जाम में आते हैं लगभग वो कवर करवा दिए हैं बाकी अब खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो टॉपिक मैंने नहीं करवाए हैं वो आप खुद भी करो यही होता है एक अच्छा बच्चा जो मतलब अपनी तरफ से खुद का एफर्ट दे ठीक है और एस पी शर्मा कह रहे हैं सर वो उप परमाणु नहीं है वो उपस्थित परमाणु लिखा हुआ है चलो भैया ये भी मान लिया कि सर डायग्राम से सही समझ में आ गया है राजेंद्र वर्मा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है हाँ भैया तो एस पी शर्मा कह रहे हैं इस बात को समझो कि वहां पे जो उप परमाणु लिखा हुआ है ना उसको उप परमाणु नहीं है यहाँ पे सब एटम नहीं है ये उपस्थित परमाणु है मतलब यहाँ पे उपस्थित जो एटम्स हैं उनसे ये प्रोटोन टकराएगा अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और खुद की एनर्जी में लॉस करेगा देख लो डायग्राम आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है ठीक है अब यह डायग्राम आपके दिमाग में आ गया तो बस आपका मामला सेट हो जाएगा ठीक है चलो मैं आगे चलो अब कोई तो दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं हो अब यहां पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अब यहां पे क्या लिखा हुआ देखो माना एक आवेशित कण जिसका जो आवेश है वो कितना है जेड ई है और एक्स दिशा में वेग से गति कर रहा है और प्रारंभिक अवस्था में इसके माध्यम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से दूरी आर तथा निकटतम उपगमन दूरी बी मेरे पास में है ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है मेरे पास अब आपने क्या कहा अब इसके डेरिवेशन को करना पड़ेगा तो पहले तो मैंने आपको केवल जनरली बताया था कि भाई किस प्रकार से वो पास आउट होगा लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा डेरिवेशन करना पड़ेगा तो हमने क्या कहा कि मेरे पास देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है अब देखो गैप हमें काफ़ी दूर दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा नहीं तो इनके बीच में बहुत कम गैप होता है देखो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और ये आपका जो प्रोटोन है जिसके ऊपर आवेश कितना है आपका जेड प्लस का जेड ये आपका पास आउट हो रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन से इधर की तरफ तो हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के और ये प्रोटॉन के बीच की दूरी है या फिर आप कह सकते हो कि भारी कण की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास आर है ठीक है और जैसे ही आपको पता है कि भैया ये जो अपना प्रोटोन है ये आगे की तरफ जाएगा भाई इधर जाएगा इधर से आया था तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पर वैसे के वैसे बैठा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एटम तो वहीं रहेंगे लेकिन ये प्रोटॉन आगे की तरफ जाएगा ठीक है तो देखो साफ सी बात है यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी जाएगा तो ये जो आपकी डिस्टेंस रहेगी ये वाली ये सबसे कम डिस्टेंस रहेगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बीच की भाई प्रो पहले प्रोटोन यहाँ से आया तो उनके बीच की दूरी कितनी थी r लेकिन जैसे ही प्रोटॉन आगे की तरफ जाएगा तो ये सबसे निकटतम दूरी यानी कि नेरेस्ट डिस्टेंस जो है आपकी निकटतम उपगमन दूरी यानी कि यहाँ से पास आउट होगा आपका तो वो हो जाएगा आपका इसकी जो दूरी है उसको हम लिख रहे हैं बी से देख लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो तुरंत अभी के अभी ठीक है अब उसके बाद हमने क्या कहा उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान से देखा तो कुछ कंपोनेंट डिवाइड यहाँ पे कर रखे हैं अब कंपोनेंट तो आप अपने साथ डिवाइड कर लो जैसे भी इलेक्ट्रॉन है ठीक है देखो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है अब साफ सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस यहाँ पे चार्ज है प्लस तो यहाँ पर प्लस और माइनस तो यहाँ पे प्लस जो चार्ज है या फिर माइनस जो चार्ज है वो एक दूसरे के ऊपर अपना जो फोर्स है उसको अप्लाई करेंगे और फोर्स के मैं कंपोनेंट यहां पे डिवाइड कर रहा हूं देखो एक मेरे पास में जो आगे अपने वाई तो कंपोनेंट डिवाइड कर दिया देखो ये मेरे पास में जो आपका पार्टिकल जा रहा है यह एक्स दिशा में तो जा रहा है ना आगे की तरफ तो यह मेरे पास में एक्सिस होगी कौन सी होगी एक्स होगी और ये मेरे पास में वाई होगी तो हमने देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई मेरे पास मैंने कंपोनेंट डिवाइड कर दिए किसके फोर्स के कंपोनेंट डिवाइड कर दिए और दूसरी बात यहां पर लिख देना कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है वेलोसिटी कितनी है इसके पास कैपिटल वी या फिर स्मॉल वी जो भी आप लिखना चाहो तो देखो उस डायग्राम के माध्यम से वो बना लेना डायग्राम ठीक है वो नोट्स में नहीं है आपको पता है तो उस डायग्राम को बना लेना क्योंकि उस डायग्राम से आपके दिमाग में सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ गई कि आपका पार्टिकल कहाँ था कैसे जा रहा है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया उससे क्या है कि समझने में भी थोड़ी आसानी रहती है ठीक है फटाफट से डायग्राम को इसको बना लीजिए भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भैया हर एक चीज को मैंने बता दिया है और इसके बिटवीन जो एंगल बन गया उसको आप ठीटा के नाम से भी बता सकते हो देखो सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है बिल्कुल हर एक चीज में देखो अब आगे का जो डेरिवेशन है उसको आंख बंद करके लिखेंगे बंद करके ठीक है और एक ध्यान रखना एक और काम कर लो देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा शायद एट या नाइन क्लास की बात है जैसे कि ये मेरे पास में समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा जो ये आधार वाला बेस वाला जो हमारे पास में डायरेक्ट मतलब कंपोनेंट होता है उसको हम कोस थीटा से लिखते हैं और परपेंडिकुलर जो आता है उसे हम लिखते हैं साइन थीटा से ये तो बात है अब ये क्यों लिखते हैं आप आराम से रिसर्च करिए आपको पता चल जाएगा एट्थ या नाइन्थ क्लास की बात है ये ठीक है पता है तो अच्छी बात है नहीं तो ठीक है देख लेना तो ये मेरे पास में साइन थीटा ये मेरे पास में कोस थीटा ठीक है अब देखिए भैया यानी कि नब्बे डिग्री का जो कोण बनेगा ना आपका उसके साथ में आप कह सकते हो कि कोष्ठा आ जाएगा और ये मेरे पास साइन डेटा आ जाएगा लेकिन सबसे बढ़िया सिंपल बात क्या है कि जो एक्स, एक्स है मेरे पास में यानी कि जो बेस है जो आधार है उसके साथ में बनता है कोष्टिटा और ये जो अपने पास में वाई डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर होती है उसे अपन साइडा से डिनोट कर देते हैं तो अब यहाँ पे हम कंपोनेंट डिवाइड करना चाहें तो देखो हम कंपोनेंट कैसे डिवाइड कर सकते हैं आराम से एफ ऑफ वाई मेरे पास में है तो इसको लिखना चाहूं मैं एफ साइन थीटा और थीटा मैंने आपको डिवाइड कर दिया यहाँ पे ठीक है एफ ऑफ एक्स मेरे पास में तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ कोस थीटा देख लो ये मैंने आपके कंपोनेंट भी इसमें डिवाइड कर दिए हैं आपके डायग्राम के अंदर ही देख लो बिल्कुल सटीकता से देखो आराम आराम से चेक करो क्या मैंने समझाया है और क्या आप यहाँ पे समझ रहे ठीक है, है? फटाफट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बस दो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है जा रहा है फोर्स अप्लाई करेगा एफ एफ ठीक है बीच में दूरी है कितनी है आर है 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 काम खत्म ठीक है। अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करना देखो माना किसी समय टी पर भारी आवेश कण इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो बल होगा जैसे कि ये हमारे पास में इलेक्ट यहां से प्रोटोन जा रहा है अब प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई करेगा हमने ट्वेल्थ क्लास में पहली ही चैप्टर में या पहले ही यूनिट के अंदर पढ़ा था हमारे पास में कुम फोर्स पढ़ा था ठीक है तो मेरे पास देखो एफ और के क्यू एन स्क्वायर तो के हमारे पास में है और यहाँ पे फोर्स कितना है जेड ई स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर ठीक है के क्यू स्क्वायर में आर स्क्वायर तो यहाँ पे फोर्स कितना लग गया हमारे पास एफ बराबर K Z R2, के जेड स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर ठीक है समय के नंबर आपके पास में एक किसी को दिक्कत अरे भैया कुलम फोर्स है ये याद करो फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो, तो मेरे पास में यहाँ पे एफ जेड नंबर एक मान निकल के आ चुका है फिर उसके बाद में देखो टक्कर में लगा समय अल्प होने के कारण संवेग में परिवर्तन केवल वाई घटक के कारण ही होगा अब यहाँ पे अब ये एक तरीके से एक स्टेट आ गई एक हमने कंडीशन ले ली कि हालांकि देखो बात तो सही है अगर मैं एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँ तो आप मुझे बताओ भाई हमारे पास जो टक्कर होगी हमारे पास जो प्रोटोन आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो टक्कर होगी या फिर आप कह सकते हो छोटी मोटी जो झड़प होगी ना वो थोड़ी बहुत होगी ज़्यादा नहीं होगी तो कहने का मतलब है कि जो झड़प होगी ना वो इस वाले एंगल के साथ में होगी यानी कि एफ वाई घटक के एफ़ वाई कंपोनेंट के साथ में होगी इस वाले कंपोनेंट के साथ में कोई झड़प नहीं होगी क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है फिक्स और यहाँ से प्रोटोन जाएगा तो प्रोटोन जाएगा तो मिनिमम दूरी जो रहेगी ना उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और जैसे थोड़ा खींचेगा ये आगे निकल जाएगा तो थोड़ी बहुत जो झड़प हुई हुई वो कहां पे भैया वाई डायरेक्शन के अंदर है, या फिर वाई कंपोनेंट के अंदर तो साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे कि जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो कहां पर होगा भैया एफ डायरेक्ट मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर या फिर वाई कंपोनेंट के अंदर तो यहां पे एफ वाई बराबर एफ सैनिटा समय के नंबर दो कुल संवेग में परिवर्तन जो टोटल हमारे पास मोमेंटम में चेंज आएगा तो पी इजक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू तो प्लस इन्फिनाइट एप एंडा अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे देखो लिमिट किस प्रकार से हमने अप्लाई कर दी देखो आपका पार्टिकल है ठीक है अब उस पार्टिकल का इधर का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है आगे का कोई पता नहीं है कहाँ जाएगा इसका मतलब है कि वो इन्फिनाइट से आया था और इन्फिनाइट की तरफ ही जाएगा तो उसकी जो लिमिट है ना कोई फिक्स नहीं है कि आपका प्रोटोन कहाँ से आया आपको पता है कहाँ से है नहीं है नहीं पता आपको तो इसलिए आपका प्रोटोन आया इन्फेनाइट से और गए भी इन्फेनाइट की तरफ तो यहाँ पे पर्टिकुलर माइनस का इन्फोनाइट टू तो प्लस का इन्फिनाइट ये एक जनरल फार्मूला है सपोज करिए आप लैब में बैठे हो और लैब की जहां से आप प्रोटोन को भेजोगे और जहाँ पे वो जाएगा उसके बीच की डिस्टेंस फिक्स है तो लिमिट लगाओ ना क्या दिक्कत है भाई जीरो से लेकर दो मीटर तीन मीटर गया है तो जीरो से लेकर दो लिमिट लगा देना लेकिन ये तो आपका एक जर्नल सॉल्यूशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि माइनस का इन्फेनाइट ना रहा है और कहाँ जा रहा है प्लस का तक ठीक है एक जर्नल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे पास में टोटल मोमेंटम में चेंज आएगा तो टू तो थीटा, थीटा मतलब फोर्स है, तो यहां पे देखो एफ हमारे पास है, तो एफ का जो मान है समय का नंबर एक मान लिख दो फटाफट से ठीक है। डायग्राम के हिसाब से आप देखो अगर मैं यहां पे साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं इसके अंदर यहां पे अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं और साइन थीटा क्या होता है भैया याद करो फॉर्मूला के, के ए अपॉन में एल ए एल ठीक है उल्टा लिख दिया यार उल्टा लिख दिया है इसको लाल बटे होता है कक्का भैया तो हमारी तो चाहिए आ अब आपकी देख लो। तो, के, के, तो यहाँ पे, तो पे आप देख लीजिए कि लंब हमारे पास में क्या होगा बी और कर्ण हमारे पास में क्या है आर अरे भैया जो आपका परपेंडिकुलर है वो तो बी हो जाएगा और आपका हाइपोटेनियस जो है वो कितना हो जाएगा आर तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर कितना तो जाएगा बी अपॉन में, तो बी में आर में तो लिख दो यहाँ पे यार बी अपन में आर काम कर दो और साफ सी बात है आर बराबर बी अपन में थीटा है। और वन अपन में साइन ठीटा होता है थीटा के बराबर तो आर बराबर मैंने चुपचाप कर दिया समीकरण नंबर चार ठीक है उसके बाद हमने क्या करा इस डायग्राम के अंदर tan थीटा को अप्लाई कर दिया और साफ सी बात है tan थीटा क्या होता है tan थीटा होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करो तो यहां पे sin थीटा तो b अपॉन में x भाई ये हमारे पास x ही तो है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है तो यहां पे tan थीटा बराबर b अपॉन में x यहां पे मैंने x का मान निकाला b अपॉन tan थीटा और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है cot थीटा तो यहाँ पे x b cot थीटा ठीक है अब यहां पे x बराबर यहाँ पे समीकरण नंबर पांच मेरे पास में है b कोट थीटा है तो हमने इसको t मान लिया समीकरण नंबर पांच और छह से नहीं नहीं रुको 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 रुको, रुको। हमने इसको t नहीं माना एक मिनट रुको एक फॉर्मूला जानते हो क्या आप अब कौन सा फॉर्मूला बताऊँगा आपको मैं चाल बराबर दूरी बटे समय अब देखो कहाँ पहुंच रहे हैं हम पहुंच रहे हैं शायद छठी सातवीं क्लास के अंदर चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि वेल्यूसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम और अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए एक्स का मान तो मुझे वी निकालना पड़ेगा तो ये आपका आ गया भैया एक्स बराबर vt तो x बराबर बी को ठीटा एक्स बराबर वी टी कहाँ से आया है वो आप सभी को पता है मैंने आपको बता दिया है उम्मीद कर सकता हूं कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा फिर हमने कहा कि हमारे पास में एक्स बराबर वी टी, पांच और छः पांच और छः को आपस में बराबर कर सकते हो क्योंकि इनका लेफ्ट साइड आपस में बराबर हो चुका है फिर हमने थोड़ा आगे चले vt वीटी बराबर बी वी कोठीटा मैंने यहां पर का मान निकाला बी एपॉइन में वी कोठीटा समय का नंबर सात ठीक है अब यहाँ पे आप देख लो थोड़ा ध्यान देना कि आपको पता है कि यार मेरे पास में जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी अभी थोड़ी देर पहले की तो बात है जस्ट पांच मिनट पहले की बात है हमने कहा था कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो मेरे पास कितनी है माइनस का इन्फेनाइट टू प्लस का इन्फनाइट ठीक है तो आप ध्यान देना कि जब मेरे पास में कोट थीटा की बात कर रहा हूँ मैं कोट की ठीक है टेबल में देख लेना आप जब भी मेरे पास में अगर ई का मान माइनस का इन्फनाइट होगा तो इन्फनाइट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर पाई

फिर फिर हमने हमने क्या किया? फिर हमने कर दिया समीकरण नंबर सात का, का करा। अवकुलन फिर देखो हमारे पास में हमने पूरी जो वैल्यू है समीकरण आठ की वैल्यू सात की वैल्यू ठीक है जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हमने कहा पुट कर दिया देखो ये रहा पी बराबर माइनस का इन्फाइट टू तो प्लस का इंफेनाइट के जेड स्क्वायर अपन मार स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ठीक है तो फटाफट -फड़ से यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो ठीक है देखो ये मेरे पास में सबके वाली लगती के जेड स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर अब नीचे देख लो ये बी स्क्वायर को सेक स्क्वायर किसकी वैल्यू है कहां भी है कोसेक 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 को ये रहा देखो आर तो देखो यहाँ पे नीचे देख लो आप के जेड स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर और आर का मान कितना है देखो आर बराबर है बी कोसेक थीटा तो हमने यहाँ पे आर का मान पुट कर दिया ठीक है उसके बाद में हमने किसकी वैल्यू निकाली थी डी की वैल्यू निकाली देखो ये रही डी की वैल्यू कितनी है बी एप में वी माइनस का कोशक स्क्वायर थीठा डी टीटा मेरे पास तो देखो सब की वैल्यू निकाल ली हमने तो देखो के जड स्क्वायर अपन में आर की वैल्यू निकाल दी फिर यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल दी कितनी है? ये रही आपके पास में और मल्टीप्लाई में डी टीटा ठीक है अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना तो माइनस आगे लिया ये साफ सी बात है आपने क्या कहा था कि माइनस का इन्फिनाइट पर जो वैल्यू होगी वो पाई होगी और यहां पे जीरो हो जाएगी लेकिन माइनस आगे है माइनस को अगर हम अंदर की तरफ ले जाएं या फिर इस माइनस से इस लिमिट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो भैया पी बराबर जीरो तो तो स्क्वायर में बीवी अब बीवी के नाम से खुश हो गए होंगे आप पी का जो मान है मेरे पास ये निकल के आ गया इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया यहां पर माइनस का लेकर पाई करोगे तो पी बराबर मेरे पास ये ये निकल के आता है। तो ये जो पी का मान मेरे पास में आया है ये क्या है मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन जो आपका हैवी पार्टिकल से जब गुजर रहा था ना तो उस हैवी पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम होगा वो आपके सामने है यही मोमेंटम आपको निकालना है तो अभी तो मोमेंटम निकला है अभी अपना बोर का फॉर्मूला नहीं निकला है इस बात का विशेष तरीके से आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना भैया कोई समस्या किसी प्रकार की कोई डाउट आपके मन में चल रहा हो मान लो तो भैया हम बैठे हैं आपके लिए कमेंट कर दीजिए फटाफट से मान साहब कह रहे हैं सर सिर्फ क्या पढ़ा रहे हो इंट्रो हाँ बिल्कुल इंट्रो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल यूनिट नंबर थर्ड का इंट्रो पढ़ा रहे हैं चलो ठीक है अभी सुबह सुबह ही कॉल आ गए यार ठीक है चलो ठीक अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने मोमेंटम का मान निकाल दिया पेशेंस रखो यार पूरी डेरिवेशन को आपके दिमाग में जब तक सेट नहीं कर दूंगा ना तब तक मैं नहीं जाऊंगा आज की क्लास को छोड़ के ठीक है प्यारे बच्चों मैंने मोमेंटम का मान निकाल लिया देखो अब हमारे पास में समीकरण नंबर जो 9 है वो आपके इलेक्ट्रॉन को दिया गया कुल मोमेंटम यानी कि आप समझ रहे हो कि जो प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम दिया अब यार साफ सी बात है प्रोटोन जब जाएगा तो प्रोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किसको इलेक्ट्रॉन को तो प्रोटोन के द्वारा दिया गया मोमेंटम संवेग जो है वो मेरे पास में ये रहा ठीक है Beast Phantom तो यानी कि प्रोटोन ने दिया या फिर इलेक्ट्रॉन को दिया तो बात बराबर ही है प्रोटोन ने दिया इलेक्ट्रॉन को दिया इस बात पे फोकस करना बात किस पे जा रही है इलेक्ट्रॉन पे जा रही है तो आप कहीं समझो कि सर ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्रोटोन ने दिया इलेक्ट्रॉन को दिया है का ध्यान रखना आवेश कण द्वारा स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा अब टी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला जानते हो एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहां क्या बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर और पी बराबर क्या होता है एम बी तो यहाँ पे पी स्क्वायर में टू एम जिंदगी में कितनी बार ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है शायद मुझे पता नहीं होगा ठीक है ठीक है तो मैंने यहां पे सिंपल तरीके से आपको ये बता दिया है अब टी बराबर भाई पी का मान तो आपने निकाल लिया ना तो पी बराबर कितना आ गया देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर नंबर आपके पास में है ठीक है अब ध्यान देना अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहां पे छोटी सी कहानी और आ रही है देखो यहां पर हमने क्या कहा कि जो मेरे पास में लिक्विड मीडियम था आपका जो भारी आविषित कण जो है प्रोटोन जहां पे गुजर रहा था जहां से पास आउट हो रहा था आपके लिक्विड मीडियम से द्रव्य माध्यम से तो वहां पर की इस छोटी सी स्ट्रक्चर को समझो आप देखो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए dx लंबाई बी प्लस डी डी बी त्रिज्या का एक बेलनीय कोष ले लिया हमने अब कहने का मतलब क्या है देखो कहने का मतलब क्या है देखो मेरी बात को बिल्कुल गौर करके सुनना देखो आपके प्रोटोन के बारे में हमने मोमेंटम निकाल लिया यानी कि प्रोटोन का मोमेंटम आ गया कि प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम दिया है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अब हम यहां पे ये फाइंड आउट कर लें यहां पे हम ये बात सोच लें या फिर हम ये निकाल लें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जो आपका लिक्विड मीडियम है उस लिक्विड मीडियम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें तो उनको दिया गया मोमेंटम उनको दी गई ऊर्जा हम फाइंड आउट कर सकते हैं बात सही है कि नहीं है ठीक है तो हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए आपके पास में एक सिलेंड्रिकल

इसी प्रकार का एक सिलेंडर बनता है अब साफ सी बात है कोई सिलेंडर होगा ठीक है तो देखो सिलेंडर मान लो एक पाइप मान लो ठीक है एक पाइप होता है तो पाइप की ये पाइप अंदर है इस इस अंदर वाले भाग से होके आपका पानी जाता है ठीक है इसको अच्छा बनाते हैं डायग्राम को ताकि आपके दिमाग में ना जो पहली बार में इमेज बने वही शानदार बननी चाहिए तो इसको तिरछाई बना देते हैं जैसे कि यहाँ पे एक अपना जो बोरिंग का पाइप होता है ना जहाँ से अपन सप्लाई करते हैं वाटर की वो कुछ इसी प्रकार का पाइप होता है देखो इसी प्रकार का ये पाइप बना दिया है मैंने ये देखो ठीक है अब इस पाइप के अंदर होके पानी पास आउट होगा जैसे कि ये आपका जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इस अंदर वाले पार्ट से होकर आपका पानी जाता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटा सा ये आपका येलो लाइन और ये आपकी वाइट लाइन इन दोनों के बीच में जो ये गैप आया है इसका मतलब ये इसकी मोटाई है ठीक है ना ये इसकी मोटाई है चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से कंप्लीट जो इसकी डिस्टेंस वो कितनी है मेरे पास में dx हमने मानी है भाई इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है dx है आपके बेलनाकार कोस की सिलेंड्रिकल जो डायग्राम है इसकी अब उसके बाद हमने क्या कहा कि देखो ये कि मेरे पास सेंटर मान लो देखो ये सेंटर मेरे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक अब देखो ये हमारे पास में अंदर वाले पाइप की बात कर रहा है तो ये सेंटर से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो तो मेरे पास में कितनी है बी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की जो डिस्टेंस है भाई ये तो यहीं तक कवर कर रहा है वाइट लाइन तक और ये कवर कर रहा है ऊपर तक येलो लाइन तक तो हमने इसको नाम दे दिया क्या नाम दे दिया भैया डी बी नाम दे दिया डी बी नाम दे दिया है ठीक है तो आपके दिमाग में इमेज तो क्लियर है भाई आपके दिमाग में डायग्राम तो क्लियर है ना कि हमारे पास में एक बेलनाकार कोष होगा आपके घर में पाइप जो होता है जनरली अपन गांव के हैं सारे हमको पता है तो जो पाइप होगा उस पाइप की कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी तो उसको मोटाई को और मैंने दिखाने का तरीका आपके सामने है इसकी जो चौड़ाई है वो डी एक्स मेरे पास में है और अंदर वाली जो पाइप की रेडियस मान लो आप वो इतनी मेरे पास में है ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक और पूरे पैंप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है दिमाग में इमेज एकदम शानदार तरीके से क्लियर है अब क्या है यार बेलन कोस का आयतन ठीक है हमारे पास में आयतन निकलेगा तो देखो आयतन कैसा निकलेगा भाई मेरे पास में यहां पे देखो ये देख dx मेरे पास में है ये डी बी मेरे पास में है डी बी मेरे पास में है देखो बेलन मेरे पास में है तो बेलन बना कैसे है किसी को पता है बेलन बना कैसे है बेलन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है देखो एक तो ये मेरे पास में और एक मेरे पास सर्किल ठीक है तो हमारे पास देखो टू पाई आर तो एक तो सर्किल जो मेरे पास में अंदर है ये मेरे पास इसकी डिस्टेंस जो है यानी कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है b है भाई अंदर वाला सर्किल मेरे पास इसकी रेडियस कितनी है b मेरे पास में है तो ये तो हो गया आपका टू पाई आर टू पाई आर और इसके साथ साथ में आपका जो ये अलग सा डायग्राम बचा है भाई बिना सर्किल के आपका सिलेंडर तो कुछ ऐसा दिखेगा ना तो इस सिलेंडर के लिए जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है हमारे पास में dx है और इसकी जो मोटाई आपकी होगी ये हमारे हमारे पास में होगी ये कितनी है ये आपके पास डी है हम मान के चल रहे हैं बात ध्यान रखना मान के चल रहे हैं क्योंकि बचपन में मैं उम्मीद कर सा कर सकता हूं कि शायद आपने कभी भी सिलेंडर को क्यूब को ठीक है और इनको टुकड़ों में तोड़ के नहीं पड़ा होगा तो इसलिए आपका बेसिक कमजोर है मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेंडर है इसको हम टुकड़ों में तोड़ दें तो देखो ये सर्किल से मिलकर बना हुआ है एक तो सर्किल है इसके अंदर और एक आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट है सर्किल के लिए क्या होती है परिधि पाई और यहाँ पे इसके लिए डीएक्स और डीबी तो मैंने इसका आयतन जो है इसका जो वॉल्यूम है उसको भी रटाने की कोशिश नहीं करी उसको भी मैंने समझाने की कोशिश करी है टू पाई बी डीएक्स और बी पाई डी बी मेरे पास आ गया शानदार तरीके समझाया अगर आपने समझने की कोशिश करी होगी तो उसके बाद में तो क्या कहानी देखो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है माना कि हमारे पास में पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है एन तो उस एन को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एन मल्टीप्लाई ये आ गई ठीक है अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला था काइनेटिक एनर्जी का टी बराबर मेरे पास ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अंदर यहां पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्या देखो ये वैल्यू को पुट कर दो, ठीक तो है? तो पे दिया देखो हमारे पास में है और, में टू पाई और इसका होली स्क्वाइनमेट टू एम और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गतिज ऊर्जा से क्योंकि साफ सी बात है हमने पहले वॉल्यूम निकाला फिर इलेक्ट्रॉन निकाला फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली कैसे एन को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे वॉल्यूम से अब इस इलेक्ट्रॉन की संख्या अब ये समय का नंबर जो आपको बारह दिख रही है इक्वेशन नंबर जो थोड़ी ट्वेल्व दिख रही है ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या टोटल संख्या को हम ऊर्जा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो भी एनर्जी निकल के आएगी वो आपके सामने है तो जो भी कैंसिल हुआ टू से टू कैंसिल हुआ जो भी कैंसिल हुआ यहाँ पे पाई से पाई भी कैंसिल हो गया होगा ठीक है यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन जो वो कर सकते हो और मेरे पास ये बचेगा फिर जेड स्क्वायर e एक ही पावर चार एन मेरे पास अपन में टू पाई एफ सर बी वी का होल स्क्वायर बी और बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एम समय थर्टीन ये मेरे पास में एनर्जी आई है अभी थोड़ी देर पहले जो हमने निकाला था वो हमारे पास मोमेंटम था ठीक है क्योंकि देखो मोमेंटम से ही हमने एनर्जी को फाइंड आउट किया है थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और अब मेरे पास में लास्ट एंड फाइनल देख लीजिए वेदान से समय के नंबर तेरह में हमने ऊर्जा निकाल दी है प्रति एकांक दूरी में गतिज ऊर्जा यानी कि पर यूनिट जो आपके पर यूनिट डिस्टेंस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस का डी ई अपॉइन में डीएक्स होती है और इसका फॉर्मूला देखो आप जेड स्क्वायर ए की पावर चार फोर पाई एफ सन एम बी वी स्क्वायर और आपका डी बी ठीक है ये बात कर रहा हूँ पर यूनिट में यानी कि भैया सिंपल सी बात है जो डी एक्स आपका डी एक्स इस डी एक्स को मैं नहीं चले गया तो देखो डी ई अपन में डी एक्स बराबर जो बच गया यहाँ पे वो आपके सामने है ठीक है अब यहाँ पे यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चिन्ह आपका आ रहा है आप सोच रहे हो कि नेगेटिव चिन्ह क्यों आ रहा है नेगेटिव चिन्ह ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करता है यानी कि एनर्जी का जो लॉस हो रहा है तो यार साफ सी बात है आपका प्रोटोन जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है तो प्रोटोन की एनर्जी का ट्रांसफर नेगेटिव से शो कर रहे हैं बस यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास में आ रहा है तो यहाँ पे आप देख लो माइनस का डी अपन में डी एक्स बराबर वन अपन में जो ये एम था इसको बाहर ले लिया फिर हमने इसको कहा कि हमने इसको इंटीग्रेशन दे दिया बी मिनिमम और यहाँ पे बी मैक्सिमम और अंदर जो वैल्यू हमारे पास कंप्लीट आ गई तो माइनस का डी अपॉइंट में डी एक्स जो भी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया और ये हमारे पास में बी मिनिमम इंटीग्रेशन बी मैक्सिमम डी बी अपॉइंट में हमारे पास बी आ गया समीकरण नंबर फोर्टीन समीकरण नंबर फोर्टीन ही आपका बोर का फॉर्मूला कहलाता है समीकरण नंबर फोर्टीन बाहरी कणों द्वारा प्रति एकांक दूरी में ऊर्जा हानि को व्यक्त करता है बस ठीक है अब इसके बाद में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे और ये कल पढ़ेंगे ठीक है ये हम कल पढ़ेंगे यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा बोर का फॉर्मूला पढ़ा माइनस का डी ए में डी एक्स बराबर में एम ये फार्मूला मेरे पास निकल के आ गया है ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना बात सोचने की क्या है और वो ये है कि सर बी मिनिमम और बी मैक्सिमम क्या है ये हमारे पास महत्तम संघात प्राचल है इम्पैक्ट पैरामीटर हैं ये क्या होते हैं क्या नहीं है उनको कल पढ़ेंगे ठीक है लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना इस पूरी डेरिवेशन को करवाने के बाद आपको शायद इसकी जो कैलकुलेशन है वो तो समझ में आ गई हमने इसको कैसे किया है सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो गया होगा लेकिन फिर भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि पहली बार जब आप डेरिवेशन पढ़ते हो ना तो कन्फ्यूजन होता ही होता है ठीक है ना अब मेरी बात को कान खोल कर सुनना नेक्स्ट जो पांच मिनट अब आने वाली हैं उनको अगर आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में एकदम एक नंबर तरीके से सेट हो जाएगा आओ भाई सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे फोकस करेंगे देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेरे पास में भैया एक मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था एक मेरे पास प्रोटोन था हमने इस इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बीच में देखा कि डिस्टेंस आर है ठीक है ये मेरे पास में इनके बीच की डिस्टेंस मेरे पास बी है ठीक है हमने यहाँ पे कंपोनेंट डिवाइड कर दिए एफ वाई ठीक है एफ एक्स मेरे पास में ये मेरे पास में एफ साइन थीटा फिर मेरे पास में एफ कोषा ठीक है ये मेरे पास में हमने काम कर दिया ठीक है उसके बाद हमने सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज करा इस डेरिवेशन को करने के लिए वो आपका कुलाम का फॉर्मूला एफ बराबर के जड स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर ये आपका कुलाम का फॉर्मूला मैंने यूज किया ठीक है इस एफ फॉर्मूले से हमने क्या करा भैया टेन ठीटा निकाला ठीक है जो भी हमने निकाला उसको निकाल के

यार अब हमें पता ही नहीं है कि जो लिक्विड मीडियम था उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी क्योंकि देखो एक कंप्लीट एनर्जी का पता हमें तब चल पाएगा भाई मोमेंटम निकाल दिया अब हमें पता चल जाए कि भैया इलेक्ट्रॉन कितने थे तो हम वहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा को फाइंड आउट कर लेंगे और जैसे ही काइनेटिक ऊर्जा को फाइंड आउट कर लेंगे हमारे पास एनर्जी निकल के आ जाएगी और उसी एनर्जी का मान तो मुझे निकालना है तो मैंने क्या करा फिर मैंने कहा कि मैंने एक सिलेंड्रिकल कोच ले लिया इस प्रकार से और इस सिलेंड्रिकल कोस से हमने इसका पहले तो इसका आयतन निकाला वॉल्यूम निकाल के हमने माना कि पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एन तो हमने फिर एन मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई अब यहाँ पे टी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है तो वहाँ पर पी का मान रख दिया और जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास में कंप्लीट जो डीई का मान आ गया है वो निकाल लिया फिर उसके बाद में छोटा मोटा जो परिवर्तन है यानी कि डीई अपॉन में डी एक्स कर दिया जो कॉन्स्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन बी मिनिमम और बी मैक्सिमम लगा दिया और अंदर डी बी अपॉइन में जो बी था वो लिख दिया और यही आपका बोर का फॉर्मूला निकल के आता है तो पूरे फॉर्मूले में सीखने की जो बात थी समझने की बात थी वो ये थी कि किस प्रकार प्रोटोन आपका आता है और प्रोटोन आने के बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है ट्रांसफर करने के बाद मोमेंटम कैसे निकालें मोमेंटम निकाल लेंगे फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे संख्या निकाल ली फिर एनर्जी कैसे निकालेंगे बस तीन स्टेप के अंदर पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में सेट एकदम ठीक है अब एक मिनट के लिए पांच मिनट तो हो गई अब एक मिनट के लिए इस पूरे डेरिवेशन का रिविजन करवा रहा हूं क्योंकि रिविजन क्यों करवा रहा हूं मैं इतनी मेहनत क्योंकि तीन चार नंबर नहीं तीन नंबर का सवाल है तीन नंबर का और 2023 में भी टपक सकता है आ जाओ भाई फटाफट से पूरी रामायण आपको समझ में आ गई दो के अंदर तीन नंबर का सवाल आ सकता है इसकी गारंटी है ठीक है चलो एक बार इसका दोबारा से क्यों रिव्यूजन करते हैं आ जाओ भाई प्यारे बच्चों आपके पास में एक ही सांस में बोलूंगा कंप्लीट देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन था ये मेरे पास प्रोटोन है ठीक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन में हमने देखा कि मेरे पास एफ एक्स एफ वाई है आर मेरे पास में बी मेरे पास में ठीक है हमने यहाँ पे गुलाम का फॉर्मला लगा दिया ठीक है हमारे पास कहा कि भाई वाई कंपोनेंट के लिए हम काम करेंगे जेड एक्स के लिए नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि जो टक्कर होगी जो कोलिजन होगा वो वाई घटक के साथ होगा वाई कंपोनेंट के साथ में ही होगा एक्स कंपोनेंट में कोलिजन नहीं होगी ठीक है हमने कहा कि लि� टोटल जो मेरे पास मोमेंटम है मैं पी बराबर ये मान निकल गया यहाँ से हमने एफ का मान पुट कर दिया फिर डायग्राम में हमने साइन थीटा और टेन थीटा को अप्लाई कर दिया यहाँ से आर का मान निकाल दिया और यहाँ से हमने डी टी का मान निकाल दिया फिर हमारे पास जो मोमेंटम का फॉर्मूला पी आया था उसके अंदर आपने डी टी का मान रख दिया और आर का मान रख दिया फिर हमारे पास कंप्लीट हमारे पास पी का मान आ गया लिमिट का ध्यान रखना लिमिट मैंने कैसे निकलवा के आपको बताई थी उसके बाद हमने पी का मान निकाल दिया ये रहा मेरे पास कंप्लीट पी का मान हमने कहा कि भैया पी का मान तो आ चुका है ठीक है अब यहाँ पे हमने गतिज ऊर्जा के हिसाब से टी बराबर हाफ एम स्क्वायर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा पी स्क्वायर ओपन में टू एम तो यहाँ पे देखो पी का जो मान पुट कर दिया तो हमारे पास काइनेटिक ऊर्जा आ गई गतिज ऊर्जा निकल के आ गई अब हमने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पता नहीं है तो हमने माना कि भाई लिक्विड मीडियम जो होगा आपका द्रव्य माध्यम उसके अंदर कुछ इस प्रकार की अगर स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने की कोशिश करी हमारे पास जो सिलेंड्रिकल जो डायग्राम है उसका वॉल्यूम है आर और आर मतलब मेरे पास में है और dx आपका डी बी ठीक है उसके बाद में एकांक वॉल्यूम में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है वॉल्यूम को इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कंप्लीट टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे फिर जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर करी थी तो हमारे पास देखो ऊपर निकाल ली थी हमने काइनेटिक ऊर्जा मल्टीप्लाई में ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो टोटल ऊर्जा को हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास में डी ई एनर्जी का मान निकल के आ गया समय के नंबर तेरह हमने कहा कि प्रति एकांक दूरी में अब प्रति एकांक दूरी का मतलब क्या होता है कि हमने जो डिस्टेंस थी उसको नीचे लिया है और जैसे ही किसी भी जैसे भी एनर्जी है अब साफ सी बात है मेरे पास एनर्जी है एनर्जी के नीचे मैं यहाँ पे डी लगा दूंगा तो ये हो जाएगा पर यूनिट डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे डी की अपोन में डी लगा दूंगा तो पर यूनिट टाइम कुछ भी नीचे आ जाएगा ना तो फिर वहां पे लग जाएगा पर यूनिट एकांक तो एकांक दूरी में जो आपकी ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा होगी वो होगी आपके सामने नेगेटिव चिन्ह क्यों लगाया है क्योंकि क्योंकि आपका जो प्रोटोन है ये प्रोटोन एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है किसको इलेक्ट्रॉन को तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है एनर्जी की ऊर्जा खत्म हो रही है किसकी प्रोटोन की नेगेटिव चिन्ह उसको बता रहा है तो आपके सामने फिर आप देखो कंप्लीट डायग्राम आ गया और ये आपका इंटीग्रेशन भी आ गया बी मिनिमम टू बी मैक्सिमम जो कॉन्स्टेंट थे उनको बाहर निकाल लिए और जिनके ऊपर ये लिमिट लगेगी उसको लगा दिया अब ये बी मिनिमम क्या होता है बी मैक्सिमम क्या होता है इसको कल पढ़ेंगे यहां तक डेरिवेशन जो है आपके दिमाग में छप गया होगा कि हाँ भाई ऐसे बिल्कुल सेट हो गया होगा शानदार तरीके से तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं कल के लेक्चर में ठीक है और करते हैं बातचीत कल डेरिवेशन है वो बहुत शानदार है और देखो कल जो है ना कल ठीक है और कल जो मेरे पास में है वो बात करेंगे भैया किसकी क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे ठीक है हाँ भाई तो यहां पे P प्लस और P माइनस इलेक्ट्रॉन के बीच में आर है वहां एफ भी है क्योंकि आपने एफ के कंपोनेंट्स किए हैं ना अरे एफ के जो कंपोनेंट्स मैंने एक्स और डायरेक्शन में किए हैं ठीक है ना एक्स और वाई डायरेक्शन करें आपको पता है फोर्स तो चारों तरफ लगेगा सभी दिशाओं में फोर्स लगेगा लेकिन कंपोनेंट तो हम केवल एक्स और वाई डायरेक्शन में ही तोड़ेंगे इसका ध्यान रखना ठीक है और दूसरी बात करें कि सर यहाँ पे सर्किल दो है ठीक है अब देखो सर्किल दो हैं वैसे तो अगर मैं बात करूं तो लिक्विड कंपोनेंट के अंदर तो बहुत सारे सर्किल्स बनेंगे और बहुत सारे डायग्राम बनेंगे लेकिन हमने जनरली जो निकाला है वो हमने सिंपल एक सर्किल से निकाल लिया यानी कि टू पाई आर और वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का उस हिसाब से निकाल लो ठीक है और आप वहाँ पर टू सर्किल को ले लो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास दो सर्किल हैं उनको भी ले लो अभी बात बराबर ही है तो यहाँ पर हम कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक आपका जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं अपन जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं इस बात का ध्यान रखना ठीक है चलो तो oh, डाउट्स मेरे हिसाब से समझ में आपको आए होंगे थोड़ा सोचना बैठ के सोचो समझो और फिर उसके बाद में कल अपनी क्वांटम की लगेगी फिर उसके बाद में भी क्वांटम लगेगी फिर मंडे से फिर अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर वापस से तो ये जो डेरिवेशन है तीन नंबर का आता है दो दिन का गैप है आपके पास दो दिन में रिविजन करके शुरू रट दो सिलेबस की टेंशन मतलब वो मैं करवा दूंगा टेंशन मतलब उस चीज की ठीक है तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय धन्यवाद